गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? वर्क कर रहे हो अपना? कल भी आपका प्रैक्टिस बुक का वर्क चला था, लेसन फाइव का माई टर्न वन टू आपने कर लिया था, है ना? माई टर्न थ्री तक आपका वर्क कंप्लीट हो गया था। अब आपको करना है माई टर्न फोर। माई टर्न फोर में देखिए, रूलर बना है, स्केल बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में मैच स्टिक है ना, उसको नाप करके ठीक सामने रखा गया है। आपको देखना है वो कितने सेंटीमीटर पे आके उस कंप्लीट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। वहां से एक लाइन भी, पिंक कलर की लाइन भी है, आप उससे देखेंगे यहाँ। जैसे ये मैच स्टिक टू नंबर पे आके कंप्लीट हुआ है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? टू सी। फिर देखिए यहाँ पे ब्रश है, ब्रश कहाँ आके कम्प्लीट हो रहा है? टेन पे। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? टेन सी। ये पेंसिल है, पेंसिल देखिए सिक्स पे आकर के कंप्लीट हो रहा है, पिंक लाइन सिक्स पे है, तो आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सिक्स सीएम। अब बच्चों देखिए, ये माई टर्न फाइव वाला जो वर्क है इसमें क्या कहा है? हाउ फार इज द सॉकर बॉल फ्रॉम द मेल बॉक्स। इस पेज पे वो सीन है ही नहीं, यहाँ पर है, ठीक है? आपको क्या कहा था? मेल बॉक्स और सॉकर का डिस्टेंस। तो ये है आपका सॉकर और ये है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स का ये पॉइंट है, ये सॉकर का पॉइंट है। स्केल रख करके बच्चों यहाँ पे आपको लाइन खींचना है। फर्स्ट वाला जो बिंदी है, ये जो डॉट है, ये आप जीरो पे रखेंगे और यहाँ तक लाएंगे स्केल को, तो आप देखिएगा किस नंबर पे कंप्लीट हो रहा है। जहां कंप्लीट हो रहा है वही नंबर आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। फिर सेकेंड वाला है, हाउ फार इज द बाइसाइकिल फ्रॉम द फ्लैग। बाइसाइकिल और फ्लावर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? ऐसे ही ये डॉट फ्लावर का है, ये बाइसाइकिल का है। इन दोनों को आप स्केल से मिलाएंगे और जीरो रखेंगे यहाँ पर, जीरो वाला नंबर यहाँ रहेगा और जहां तक ये जाएगा वो नंबर आपको कहाँ फिल करना है? यहाँ पर। फिर थर्ड नंबर है, हाउ फार इज द ट्री फ्रॉम द बॉल। बॉल और ट्री के बीच में क्या डिस्टेंस है? यहाँ सॉकर बॉल ये है और ट्री कहाँ है? यहाँ। यहाँ से यहाँ तक स्केल रख करके आप इसको नापेंगे और फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है? करेंगे यहाँ पर, ठीक है? फोर्थ नंबर है, हाउ फार इज द स्पैड फ्रॉम द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स बॉल स्पैड का आपको यहाँ तक लिखना है, पहले मेल बॉक्स तक का, फिर स्पैड से बॉल, सॉकर बॉल तक का। दो बार मेजर करेंगे और यहाँ एक बॉक्स दिया, आप एक नीचे और बॉक्स बना लीजिएगा, दोनों का मेजरमेंट लिखिएगा, ठीक है? फिर आता है आपका प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसमें क्या है? दो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। देखिए, रमेश इज 170 cm टॉल एंड राजीव इज 70 cm शॉर्टर देन हिम। क्या बताया? रमेश जो है वो कितने सेंटीमीटर लंबा है? 170 सेंटीमीटर। और राजीव जो है, राजीव इज 70 cm शॉर्टर देन हिम। राजीव जो है वो 70 cm छोटा है इससे, रमेश से, ठीक? हाउ टॉल इज राजीव। अब राजीव की हाइट कितनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे किससे? रमेश की हाइट से। और जितना वो कम है, 70 cm कम है, उसको हम माइनस करेंगे। देखिए ये हंड्रेड्स में है, तो एच डी ओ वन टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड वंस के नीचे जीरो, टेंस के नीचे सेवन और हंड्रेड्स के नीचे वन, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, नंबर्स को वंस की ओर से लिखना शुरू करते हैं। फिर ये 70 है, तो वंस के नंबर के नीचे जीरो और टेंस के नंबर पे सेवन। अब हमें इसे माइनस करना है, जीरो में से जीरो माइनस करने पर जीरो आता है, फिर सेवन में से सेवन माइनस करेंगे तो क्या क्या आएगा बच्चों? यहाँ भी जीरो ही आएगा और वन के नीचे कुछ नहीं है, तो हमारा वन पूरा आ जाएगा। कितना हो गया? 100। तो राजीव इज 100 cm टॉल। राजीव की हाइट कितनी होगी? 100 cm। सेकेंड देखिए, अनन्या इज 110 cm टॉल। अनन्या जो है वो 110 cm टॉल है, उसकी हाइट कितनी है? 110। एलिशा इज 65 cm टॉलर, उससे एलिशा जो है वो क्या है?
65 cm बड़ी है, टॉलर है, लंबी है। हाउ टॉल इज अलीशा? अलीशा कितनी लंबी है, मतलब अलीशा की हाइट बतानी है। कैसे बताएंगे आपको? अनन्या की हाइट पता है 110 cm लिख लिया। अब उससे 65 cm ज्यादा है, तो हम ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे और इन दोनों को HDO 100 स्टेंस और वंस के रो में रखेंगे, रख करके हम इसको प्लस करेंगे। जीरो के साथ 5 प्लस करेंगे तो एज इट इज नंबर 5 रहेगा, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, और 1 में कुछ नहीं प्लस करेंगे तो 1। कितना आ गया बच्चों? 175 cm टॉल। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ आपकी ड्राइंग एक्टिविटी, यहाँ क्यूब्स बने हुए हैं, है ना, और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इसको आपको क्या करना है, क्यूब्स गिन करके, क्यूब्स काउंट करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। स्नेक है, ये कितने क्यूब के बराबर है? 1 1 2 3 4 4 यहाँ फिल कर देंगे। फिर बी पे देखिए कार है, कितने क्यूब्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 क्यूब्स। फिर ये पेंसिल 1 2 3 4 5 5 क्यूब के बराबर है, है ना, मेजर किया है क्यूब से, 5 क्यूब के बराबर। तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे? 5। तो बच्चों आपका प्रैक्टिस बुक का भी 5th लेसन का कंप्लीट हो गया वर्क। प्रैक्टिस बुक का वर्क आप प्रैक्टिस बुक में करेंगे, और कोर्स बुक का जितना लेट्स ट्राई था वो सारा कॉपी में करेंगे। इस तरह से आपका 5th